तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइस इस वॉच में ना तो चार ये वॉच ना तो चार्ज ले रही है, ना ही ऑन हो रही है। ये देखिए, मैं दबा रहा हूँ, ये ना तो ये ऑन हो रही है, ना ही ये चार्ज ले रही है। तो गाइस, आज इसी पे वीडियो होने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले हमें चार्जर चेक करना है, क्योंकि गाइस मेरा मानना है कि घड़ी 99% घड़ी में प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है तो हमारे इस चार्जर में, ये जो चार्जर है ना, आप देख रहे हैं, इस चार्जर में प्रॉब्लम होती है। ये तो सबसे पहले हम चार्जर चेक करेंगे। हालांकि ये इस घड़ी का चार्जर नहीं है, मैंने दिखाने के लिए उठाया आपको। इसका चार्जर है ये वाला, ये। तो सबसे पहले हम इस चार्जर को चेक करेंगे कि कहीं हमारा चार्जर तो गड़बड़ नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले हम इसको एडाप्टर को लगा के, और यहाँ इसका करंट चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए या तो दूसरी घड़ी या फिर वोल्टेज मीटर, मल्टीमीटर। तो गाइस, हम सबसे पहले वोल्टेज मीटर में लगाते हैं चार्जर को और देखते हैं कि क्या सप्लाई आ रही है या नहीं। तो गाइस, ये दो पिन हैं, दोनों में मैंने ये लगाया, तो यहाँ तो नहीं बता रहा, ये तार पलटना पड़ेगा, प्लस माइनस गड़बड़ हो जाता है। ये देखिए गाइस, मीटर में, ये देखिए गाइस, मीटर में ये करंट आ रहा है, ये आ रहा है करंट। तो इसका मतलब है कि हमारा चार्जर सही है, घड़ी में प्रॉब्लम है। और गाइस, अगर आपका चार्जर बाय द वे ख़राब हो जाता है तो चार्जर बनाने का वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। और ये देखिए थंबनेल, ये थंबनेल है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और ये है वो चार्जर जो मैंने बनाना बताया है, बड़े सिंपल है और इजी तरीके से ये चार्जर आप बना सकते हैं। तो गाइज, आते हैं अब मेन मुद्दे पे। तो अपना चार्जर सही है, करंट आ रहा है इसमें। अब देखते हैं घड़ी, तो घड़ी चार्ज ले क्यों नहीं रही। तो गाइज, तो उसके लिए हम पहले ही बोल चुके हैं कि गाइज, घड़ी में 99.9% प्रॉब्लम नहीं होती है, होती है तो चार्जर में या फिर यहाँ के चार्जिंग पॉइंट में। तो सबसे पहले हम इसको साफ़ करेंगे ब्रश से या कोई दूसरी चीज़ से। तो गाइज, उसके पहले हम चार्जर को लगा के चेक कर लेते हैं कि कहीं है। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ लगाएंगे, ये मैंने लगा दी, और ये देखिए इसमें कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब हम पलट के लगा के देखेंगे, तो ये हमने पलट के भी लगा दिया और अभी भी कोई डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही है, ना चार्जिंग बता रही है। तो गाइस, अब हम इसको साफ़ करके देखते हैं साफ करने पे क्या होता है। तो भाई, साफ करने के लिए हमें ब्रश चाहिए और थोड़ा सा पेट्रोल या थिनर। तो हम पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल लगा लेते हैं ब्रश में, और फिर इसको यहाँ पे, ये जो पॉइंट है जहाँ चार्जिंग लगती है, इस पे हम इसको अच्छे से रगड़ेंगे। बहुत अच्छे से इसकी सफाई करेंगे हम। तो एक बार सूखे ब्रश से भी साफ कर देंगे अच्छे से। और यहाँ ये कुछ कचरा है, इनको हम और पिन से
या पिन से या पेचकस से हल्का हल्का यहाँ रब कर देंगे। ये मैग्नेट है, ये साइडों में ये मैग्नेट है और ये पॉइंट है अपने चार्जिंग के। तो यहाँ हम थोड़ा सा पेचकस रब कर देंगे और फिर से एक बार इसको साफ कर देंगे अच्छे से। अब हम इस पे अपना चार्जर लगा के चेक करते हैं। तो अभी कुछ नहीं आ रहा, अब पलट के लगाते हैं। अभी भी कुछ नहीं हो रहा, अब फिर से पलट के लगाते हैं। ये देखिए गाइस, ये हो गई अपनी वॉच चालू। ओके गाइस, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है ना। तो गाइस मैं वही समझाना चाह रहा था कि 99% घड़ी में घड़ी खराब नहीं होती है, घड़ी में प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, इनमें डस्ट आ जाती है या कार्बन आ जाता है या पानी की एक लेयर जम जाती है, तो वो प्रॉब्लम आती है। और बाकी 99, फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, 99.9% घड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ चार्जर में आती है। ये देखिए गाइस, चालू हो गई ना घड़ी, या तो चार्जर में प्रॉब्लम आती है या ये वाले पॉइंट में। तो हमें सबसे पहले चार्जर चेक करना है, ये पॉइंट साफ करके देख लेना, फिर हमें कहीं लेके जाना है घड़ी। तो गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा कि चार्जिंग प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो गाइज वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो गाइस इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक के वीडियो पे। ओके बाय।